श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज फागुन मास में मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधुओं शिव पुराण की कथा को पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ जो मनुष्य भी फागुन मास में सुनते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गण नायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय और रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत वन और काननों सहित कांपने लगी। संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभो, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए। विष्णु आप कर्मों के साक्षी और यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभो आप वेदों धर्म और ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभो आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु इस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषय जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरता पूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते क्या कर्म है क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो, उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते या ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रु मर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जिलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा उसके कारण
तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ पड़ा। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध हुआ। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाली उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समर आंगन में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्रज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं हमारी विजय कैसे होगी। उसकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। ना मंत्र, ना औषधियाँ, ना समस्त अभिचारिक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, ना वेद, ना पूर्व और उत्तर मीमांसा, ना वेदों से युक्त अन्य अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत निर्विकार उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर मैं जो इससे सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूँगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे? भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे। इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और उसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भर कर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देव रमानाथ, सर्वेश्वर, महाप्रभो, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।